2023 वाले रिटर्न तो 2024 में बिल्कुल ही बने और उससे भी ज्यादा बने तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर अनिल जी। अनिल जी, आज का जो मेरा लॉन्ग टर्म स्टॉक है वो स्टॉक है पारस डिफेंस, जो अभी 728 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये कंपनी डिफेंस और स्पेस एप्लीकेशंस के लिए प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, मतलब डिफेंस और एरोस्पेस की एक लीडिंग कंपनी है। और इनका चंद्रयान 3 जो हमने एक सक्सेसफुली लॉन्च किया था उसमें नेविगेशन सिस्टम भी इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है, तो इस तरह की कंपनी है। बाकी इन्होंने हाल ही में जो ड्रोन वाला स्पेस है उसमें भी सीरियसली फोरे किया है। पारस एरोस्पेस नाम की इनकी सब्सिडियरी है जिसके अंतर्गत ये ड्रोन्स, फिर एंटी ड्रोन्स, ड्रोन एयरक्राफ्ट और ड्रोन पैराशूट्स वगैरह बनाते हैं। और हम देख रहे हैं सरकार का पूरा पूरा फोकस है डिफेंस के ऊपर, मेक इन इंडिया के ऊपर। मुझे लगता है स्टॉक बहुत अच्छा करेगा और फंडामेंटली मजबूत स्टॉक है, अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, अच्छे रिटर्न रेशियोज और कंपनी की ऑर्डर बुक भी काफ़ी अच्छी है जिससे एक अच्छी रेवेन्यू विजिबिलिटी आती है फॉर द नेक्स्ट 3-5 ईयर्स। मुझे लगता है ये स्टॉक को बिल्कुल करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। मेरा इसमें 9 से 12 महीने का कंजर्वेटिव टारगेट है, 900 रुपये। 900 रुपये का टारगेट है 9 से 12 महीने के लिए, और खरीदें आप पारस डिफेंस। ये राय है आपके लिए सेठी साहब की। पहले